हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी दिन के टाइम में मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और फिलहाल अभी मैं हूँ अपने रोड में। तो और यहाँ पर आज बड़ी दूर दूर से हमारे वहाँ काम करने आए हैं तो जिया जी, मंथन और यहाँ पर चेतन बैठा है काम करके। हाँ तो काम कर रहा था अभी तक, फिलहाल थोड़ा राहत ले रहा है पानी में पैरों को डुबा के। और यहाँ देखिए ये नहर में पानी आया है ट्यूबवेल का। तो ये देखिए इनका काम, जो इनकी ठेकेदारी है वो है हमारी कमला दीदी। अभी वो इनको काम बता के चली गई हैं अंदर को और ये दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मंथन बोल रहा है यहाँ आके इसका जो भी ये काम कर रहा है ना, इसकी वजह से इसका लगभग 4-5 किलो वेट घट चुका है, है ना मंथू? किसी और को अपना वेट घटाना हो तो जल्दी आ जाए। तो अभी अब जिया जी आए हैं अपना वेट घटाने के लिए, काम कर रहे हैं। जवाई से ऐसा काम कराते हैं, पहले देख लेना आने वाले जवाई। तो यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से इनका काम चल रहा है। जो भी ये रोड कंप्लीट होने के बाद जो मटेरियल यहाँ पर बच गया था तो उसको यहाँ पर साइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वाड़ी ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठेकेदारनी आ गई। और यहाँ से हमारी ठेकेदारनी भी आ गई है, ये देखिए कमला ठेकेदारनी हमारी, जो अपने लेबरों को काम पर लगा के चली गई थी अंदर खाना खाने के लिए। अब देखिए ठेकेदारनी इनको कैसे काम बताती है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? गाय का दूध काम नहीं आ रहा तेरा? कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसा काम करने की? ठेकेदारनी भी करने लग गए, बताओ। हमारे बस का नहीं है। क्यों? बहुत ही खतरनाक है। तो ये एक लेबर थोड़ा थके यहाँ पर बैठ चुके हैं तो ठेकेदारनी खुद काम पे लग चुकी है। तो अब चले चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन बिरयानी बनने की तैयारी चल रही है। तो दादा अभी चले गए हैं कुछ मसाला लेने, तो यहाँ प्याज व्याज काट के तैयार करके गए हैं। और यहाँ पर ये चिकन पड़ा है, इधर चावल भिगाए हैं बिरयानी के लिए। और यहाँ पर ये देखिए इस बड़े से बर्तन में बनने वाली है आज चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर मानिया खाना खाने बैठ गई है, साथ में टीवी देखी जा रही है। और ये खा रही है अभी, क्या खा रही है? घात की दाल, भात और साथ में क्या लेके आई है? दही। और यहाँ दादा बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए कुकर में देसी मुर्गा बॉयल करने के लिए रखा था तो वो बॉयल हो चुका है। और यहाँ पर इस बड़े से बर्तन में ऑयल रखा है जो गर्म हो चुका है, देखिए धुआं उठा है उसमें से। और यहाँ पर दादा अभी काट रहे हैं मिर्च, तो ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो अभी गैस बंद कर दिए क्योंकि बाकी कटिंग वगैरह चल रही है अभी हरी मिर्च वगैरह की। और चले चलती हूँ मैं बाहर को। और अब मैं आ गई हूँ घर के बाहर, तो वहाँ दादा बना रहे हैं बिरयानी। और घर में कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए भाभी ने भात दाल बना दिया था, तो मैंने तो खा लिया है भात दाल क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और कमला दी भी नहीं खाती हैं। तो बस जियाजी लोग तो काम कर रहे हैं, उसके बाद तब तक बिरयानी बन जाएगी तो बिरयानी खाएँगे। और यहाँ अभी ईजा अपना काम कर रही है, वो दिखाती हूँ। ईजा यहाँ पर दोनों डॉगी को नहला रही है और जियाजी अपना काम करके आ गए हैं। यहाँ से ईजा फिर से बाहर आ गया, ये नहाने के लिए बहुत खुश रहता है। तो ईजा इसको फिर से नहला रही है। घूम जा। ये देखिए बहुत कहना मानता है वैसे ये। अब गर्मियों के दिन आ गए तो ये डेली नहाएंगे। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर दादा ने डेग में देखिए ऑयल गर्म हो गया था तो इसमें मसाले वगैरह जो भी छांव वगैरह पड़ता है सब डाल डूब के इसमें पूरा जो देसी मुर्गा है वो भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए उबल रहा है अभी। और यहाँ पर अभी चावल का पानी गिरा रहे हैं जरा, उसके बाद डायरेक्ट अब इसमें चावल डाला जाएगा। तो ये देखिए इसमें चावल भी डाल दिए हैं और अब चावल को अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए पूरा और उसको ढक दिया गया है तो थोड़ी देर के लिए इसमें फुल आंच रहेगी और उसके बाद इसको सिम कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर ये देखें एक कपड़े की पोटली रखी गई है जिसमें कुछ मसाले थे, अदरक लहसुन प्याज धनिया सौंफ, तो ये सब साबुत था इसमें। और इसकी एक पोटली बना के जब ये कुकर में देसी मुर्गा उबलने के लिए रखा था तो इसमें ये पोटली को डाल दिया था। और जब वो पूरा उबल चुका था तो तब जाके बाकी मसाले
इस देग में ऑयल में फ्राई किए गए, उसके बाद उबला हुआ मुर्गा इसमें डाल दिया था और चावल भी मिक्स कर दिए हैं। तो अब ये पोटली उसमें से हटा दी गई है और ये अब वेस्टेज है तो इसको फेंक देंगे। बाकी इसमें बनने के बाद टेस्ट पता चलेगा जब आगे लोग खाएंगे। तो यहाँ ये बच्चे आ गए हैं अपना काम करके, मजदूरी करके। तो गाइस यहाँ बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है, ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी। और यहाँ भाभी बना रही है बिरयानी के साथ खाने के लिए चटनी। तो इसमें मिलाया गया है पुदीना, प्याज, लहसुन, दही, नमक, टमाटर, हरी मिर्च। तो इन सब के मिश्रण से ये चटनी तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो यहाँ पर तन्नू और बेबी बिरयानी खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। ये देखा इसके, इसमें लेग पीस भी देखे, ये लेग पीस तो बिल्कुल भसोड़ चुकी है ये। और अब मैं आ गई हूँ छत में और यहाँ ना बहुत तेज़ धूप हो रही है। मैंने सुबह नहा धो के अपने कपड़े डाले थे छत में, तो उनको लेने आई हूँ क्योंकि इतनी तेज़ धूप में ना कपड़े सूख के बिल्कुल पापड़ हो चुके हैं। और लगभग एक घंटे की पूरी प्रोसेस के बाद दादा ने बिरयानी बना के तैयार कर दी है, तो बच्चे खा रहे हैं वहाँ। तो घर के कुछ लोग तो पहले खा चुके हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों ने भात दाल खा लिया था। तो अब बाकी लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग खा रहे हैं चिकन बिरयानी। और मेरे दादा ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी दादा वेज बिरयानी भी बनाते हैं, तो मैंने टेस्ट की है। तो आज जो बिरयानी में खुशबू आ रही थी तो उससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आज की बिरयानी भी बहुत टेस्टी हो रही होगी। और साथ में जो भाभी पुदीना और दही वाली चटनी बनाती हैं वो भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए आज के अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर। Oh,